लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी ये कहना आसान नहीं होगा कि आखिरकार चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी। वहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि नागपुर में आयोजित मराठी जागरण सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर देश में सबसे ज़्यादा राज किसी ने किया है तो वो हैं महाराष्ट्र के लोग। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2050 तक देश को महाराष्ट्र से एक से अधिक प्रधानमंत्री मिलेंगे। देखा जाए तो महाराष्ट्र के लोगों को खुश करने के लिए उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए फडणवीस पूरा जोर लगा रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आखिरकार उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के जीतने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों से, युवाओं से, साधु संतों से जो वायदा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।